हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं सम्राट गेम वीके, एक अंधी गेमिंग चैनल। तो फ्रेंड्स, आपने देख ही लिया होगा, आज बात करेंगे हम ट्रांसफॉर्मर्स वीडियो। ये वीडियो ट्रांसफॉर्मर्स के नाम। और फ्रेंड्स, आज है टॉप 3 नेमेसिस प्राइम। शुरू करते हैं वीडियो जल्द से जल्द, पर उससे पहले आपको बता दें, जो चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखो दोस्तों। और इसके अलावा मेरे चैनल मिलेंगे आपको 100 से ऊपर अमेजिंग वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो पावर पंच के साथ, जल्द से जल्द। तो फ्रेंड्स, नंबर वन नेमेसिस प्राइम यही है। तो पता है सबसे पॉपुलर नेमेसिस प्राइम जो है वॉर फॉर साइबर प्राइम, नेमेसिस प्राइम। और एक लेटेस्ट सीरीज है, इसमें हाई ग्राफिक्स यूज किया गया है, पर नेमेसिस की ग्राफिक्स अच्छा दिखता है। और इसी बारे में बात करेंगे नंबर वन नेमेसिस प्राइम के बारे में। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसका ओरिजन और पावर्स के साथ। तो इसका ओरिजन यही है कि यही है ऑप्टिमस प्राइम फ्यूचर वर्जन नेमेसिस प्राइम, और ये एक अलग यूनिवर्स से आता है। तब वही फैलाता है जैसे ये हॉस्पिटल और ये है असल में स्टोरी के साथ आते हैं ओरिजिन। तो नेमेसिस प्राइम असल में ऑप्टिमस प्राइम है, जो फ्यूचर में आई रिवाइव के बाद यूनिकॉर्न रिवाइव करता है। इसे एक बार यूनिकॉर्न बनाता है नेमेसिस प्राइम। इसका पास कर सकता है ये एनर्जी अटैक, और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा ताकतवर, ये अकेले ही पूरे ऑटोबॉट्स से लड़ सकता है, खत्म कर सकता है। इतनी ताकत है तो समझ सकते हो कितना खतरनाक है नेमेसिस प्राइम। और नेमेसिस प्राइम के बारे में यही चीज़ है कि ऑप्टिमस प्राइम की पूरी मेमोरी उसके पास है, पहले की लाइफ की भी। जैसे गैल्वेट्रॉन के साथ है वैसा ही नेमेसिस प्राइम के साथ है। गैल्वेट्रॉन को भी मेगाट्रॉन की पूरी मेमोरी याद है, और यही वजह है कि गोल्डन डिस्क होता है मेगाट्रॉन को। फ्रेंड्स, ये नेमेसिस प्राइम, इसकी स्टोरी और ताकत बहुत ज़्यादा दमदार है। और सबसे एपिक बैटल तो यही होती है कि ऑप्टिमस प्राइम वर्सेस नेमेसिस प्राइम। और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ताकतवर है, देख चुके हो आप नेटफ्लिक्स सीरीज में अगर देखा होगा तो आपने। तो फ्रेंड्स, पढ़ते आगे असल में किस टाइमलाइन से आए। देखा जाए तो जनरेशन 1 के ओरिजिनल टाइमलाइन से आए हैं ऐसा लगता है, उसको सबसे बताते हैं। ऑप्टिमस प्राइम की कई डेथ हो चुकी है और कई बार रिवाइव हो चुके हैं, तो नेमेसिस बनने से पहले उन्होंने गैल्वेट्रॉन के साथ मिलकर बचाया था यूनिवर्स को, वो भी रेड प्लेग से। और जब ऑप्टिमस प्राइम लास्ट प्राइम नहीं थे, उसके अलावा उन्होंने एक और अगला प्राइम चुन लिया था, तो एक और प्राइम था, पर लेकिन साइबरट्रॉन को फिर से बचाते हुए ऑप्टिमस प्राइम की डेथ होती है और वो रिवाइव नहीं हो पाते। तो उसे रिवाइव करता है यूनिकॉर्न, क्योंकि यूनिकॉर्न पता नहीं कैसे पहुंच जाता है ऑप्टिमस प्राइम के पास, और वो करता है रिवाइव, और जिससे मानता है नेमेसिस प्राइम, और नेमेसिस प्राइम ताकतवर है और वो ईविल बन जाता है। देखा जाए तो उसकी स्टोरी कुछ ज़्यादा जानब से निकलती, ये स्टार वॉर का डार्क फेडर है, ट्रांसफॉर्मर्स का डेथ फेडर है, यही है मतलब। और यही नेमेसिस प्राइम, तो ये इतना ताकतवर है और एनर्जी अटैक कर सकता है, पर इसके पास नहीं है लीडर ऑफ मैट्रिक्स प्राइम नहीं। और कोई देखा जाए तो इसकी टाइमलाइन में ऑप्टिमस प्राइम के अलावा भी एक और प्राइम है, और आप सबसे जानते होंगे। तो इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स की कई सीरीज आ चुकी है। तो अब बात करते हैं अगले नेमेसिस की तरफ चलते हैं। जो नंबर 2 नेमेसिस प्राइम है वो है खतरनाक दमदार ट्रांसफॉर्मर्स अर्माडा सीरीज का
नेमेसिस प्राइम। और ट्रांसफॉर्मर्स अर्डमाडा सीरीज में तीन स्टोरी चलती है, मतलब तीन स्टोरी नहीं, एक स्टोरी में इनके तीन पार्ट है, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स अर्डमाडा, ट्रांसफॉर्मर्स एनर्जॉन, ट्रांसफॉर्मर्स साइबरट्रॉन गैलेक्सी फोर्सेस। ट्रांसफॉर्मर्स अर्डमाडा में ही खाली देखा गया था ये नेमेसिस प्राइम, और ये नेमेसिस प्राइम है ये कोई ऑप्टिमस प्राइम का पास्ट वर्जन नहीं है, ना ही फ्यूचर वर्जन, ये है नेमेसिस प्राइम जो यूनिकॉर्न के द्वारा ही मनाया गया है। और ये मिलता है ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन पे, जो अर्थ में यूनिकॉर्न ढूंढ रहे होते हैं, एक जगह ये मिलता है और ये ढूंढते ही उनके ऊपर हमला कर देता है खतरनाक तरीके से। और उसका थोड़ा एनिमल नेचर है इसका, जैसे ये बोलता नहीं सिर्फ आता है, और हाँ इसके पास फुलविलन जैसे कुछ बातें भी मिलती जुलती हैं। ये ट्रांसफॉर्मर्स का फुलविलन है, एक तरह से डार्क वर्जन है, इसके पास है रोबोटिक हीलिंग फैक्टर, और ये बहुत, अगर ये डैमेज हो जाता बहुत ज़्यादा तो ये खुद को ठीक कर सकता है, यानी कि हील हो सकता है वो भी कुछ मिनटों में। और यही है ट्रांसफॉर्मर्स का सबसे खतरनाक। और इसके अलावा एक चीज़ है जो उस नेमेसिस प्राइम में सब कुछ अलग बनाते हैं, कि इसके पास डार्क सेवर, अब ये नहीं पता कैसे पर इसके पास डार्क सेवर है, यही है ट्रांसफॉर्मर्स का वुल्वरीन डार्क वर्जन है, बोल दिया तो फ्रेंड्स। और एक खतरनाक है और उसको हराया था ऑप्टिमस प्राइम, प्राइम ने मिलके बड़े एनर्जी अटैक से उसका एक टुकड़ा बच जाते, खुद को कर सकता है रिवाइव सेल की तरह। और कल की छोटी सी गेम जो है एंड्रॉयड के ऑपर बेस्ट ट्रांसफॉर्मर प्रोजेक्ट 5, और उसमें नेमेसिस प्राइम नजर आया, उसमें ऑप्टिमस प्राइम की तरह है पूरा सेम टू सेम, मतलब अटैक्स पूरे सेम टू सेम है, सिर्फ दिखता है नेमेसिस प्राइम। और बता दो आपको नेमेसिस प्राइम की बहुत कम गेम है जो नेमेसिस प्राइम की दिखाई दी, नेमेसिस प्राइम जिनमें ट्रांसफॉर्मर्स गेम में बहुत कम बार नेमेसिस प्राइम दिखाए, तक ट्रांसफॉर्मर्स अर्डमाडा सीरीज की गेम है उसमें भी नेमेसिस प्राइम शायद नहीं दिखाए। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं, चलते हैं मेन टॉपिक पे, टॉप आखिरी टॉप 3 नेमेसिस प्राइम के बारे में। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज जो 3D में थी काफ़ी आइटम, उसमें नेमेसिस प्राइम जिसे असल में देखा जाए रिमोट कंट्रोल रोबोट होता है जिसे बनाया होता है कुछ इवल लोगों ने, तो हो जाती है साइबर ट्रक, साइबर टेक्नोलॉजी के हाथ लग जाती है ट्रांसफॉर्मर्स की, जिससे वो मनाते हैं नेमेसिस प्राइम। और ये कम से कम रोबोट कंट्रोल होता है, तो ये एक तरह से रोबोट है, रोबोट कंट्रोल तो एनर्जॉन के ऊपर चलता है, और इसके पास इतनी ताकत तो थी कम से कम उसने ऑप्टिमस प्राइम को छोड़ के उसके बाकी मेम्बर्स को हरा दिया था, ख़त्म नहीं किया था हरा दिया था। और लास्ट बैटल में जिसे रोबोट कंट्रोल कर रहा था वो कहीं और मौका नहीं, वो कहीं और बिजी हो जाता है, जैसे हार जाता ही है। पर देखा जाए ये ऑप्टिमस प्राइम जितना ही ताकतवर होता है रोबोट कंट्रोल होने के बाद भी, तो यही है नेमेसिस प्राइम। अब बात करते हैं कुछ गेम की, चलो तो ट्रांसफॉर्मर्स फॉल फॉर साइबरट्रॉन में नेमेसिस प्राइम दिखाता है, मतलब ऑनलाइन अगर गेम खेलोगे तो इसमें आप नेमेसिस प्राइम बना सकते हो, मतलब मनचाहा ट्रांसफॉर्मर्स बना सकते हो, तो नेमेसिस प्राइम बना सकते हो चाहो जैसा चाहे नेमेसिस प्राइम बन सकता है, समझ गए ना, जैसा चाहे वैसे नेमेसिस प्राइम बना सकते हो ट्रांसफॉर्मर्स फॉल फॉर साइबरट्रॉन में। और इसके बाद ट्रांसफॉर्मर्स फॉल फॉर साइबरट्रॉन के बाद भी और भी गेम आई थी ट्रांसफॉर्मर्स की, जिसमें नेमेसिस प्राइम था अपने डार्क सेवर के साथ, और उसके अलावा इसमें रेड अलर्ट भी नए रूप में और बम्बलबी भी नए रूप में, और जनरेशन 1 की गेम है तो जनरेशन 1 के साथ। और उसके अलावा इसके अलावा प्लेस्टेशन 2 में भी एक गेम है जिसमें नेमेसिस प्राइम कलर है, जो आप खेल सकते हैं, वेरी इजी गेम है, सो जापानीज और इंग्लिश में सेट है, पता नहीं आप खेलना चाहोगे या नहीं, बहुत अच्छी लगी। और इस गेम का नाम है ड्रीम मिक्स वर्ल्ड फाइटर्स, तो ये एक ऐसी आगे। तो ट्रांसफॉर्मर हिस्ट्री में सबसे एपिक बैटल तो ये भी है ऑप्टिमस प्राइम वर्सेस नेमेसिस प्राइम, और जनरेशन 1 में एक से ज़्यादा नेमेसिस प्राइम है देखा जाए तो, कि कुछ है रिमोट कंट्रोल और कुछ है फ्यूचर वर्जन वाला नेमेसिस प्राइम, कुछ क्या मतलब एक फ्यूचर वर्जन है बाकी तो पास्ट वर्जन। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के
साथ। जब तक के लिए बाय बाय टाटा। और हाँ, आप अगर ट्रांसफॉर्मर्स कुछ गेम्स देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल में आपको ट्रांसफॉर्मर्स गेम्स की कुछ गेम प्ले मिल जाएंगे। और हाँ, मैं गेम प्ले क्यों नहीं डाल सकता, आप जानते ही हो कि पीसी गेम्स डाल पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से। तो इस वजह से मैंने अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, जो आप देख सकते हो देख सकते हो में ट्रांसफॉर्मर्स गेम बहुत सी है, उसमें पीसी भी गेम भी है कोई दूसरे लोग जाकर देख सकते हैं। पर हाँ, मैं चैनल मिलता है 100 से ऊपर अमेजिंग वीडियो, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो ना यार। और इसके अलावा फिर मिलते हैं नए चैनल के साथ, नई वीडियो के साथ और गेम रिव्यू। और मैंने थोड़ा स्पॉइलर कर दिया, पर सॉरी स्पॉइलर कर दिया, पर ट्रांसफॉर्मर्स की बहुत सी अमेजिंग सीरीज रही है जो 3D में बनी है। और वैसे और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दी टॉप 3 नेमेसिस प्राइम, तो ये वीडियो ख़त्म। और हाँ, ऑप्टिमस प्राइम जब नेमेसिस प्राइम बन जाता है, वो फिर वो ऑप्टिमस प्राइम नहीं रहता, उसकी वजह से वो अच्छा भी नहीं रहता। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।